चेयरमैन पर वर्तमान चेयरमैन ने लगाया गाली गलौज और धमकी का आरोप। एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद याकूब अपने परिवार व क्षेत्रीय लोगों के साथ पहुंचे और एक शिकायती पत्र पूर्व चेयरमैन रिंकू गोस्वामी के खिलाफ देते हुए कार्यवाही की मांग करने लगे। आम आदमी पार्टी के वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद याकूब का आरोप है कि भाजपा के पूर्व चेयरमैन रिंकू गोस्वामी ने उनके व उनके परिवार के साथ गाली गलौज की और विभिन्न नंबरों से फोन करके उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद याकूब का यह भी आरोप है कि वे उनके काम में बाधा डाल रहे हैं और आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद खड़ा करते रहते हैं, जिससे वे बहुत डरे और सहमे हुए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व चेयरमैन द्वारा पागवाड़ा का माहौल खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में डीएम से भी शिकायत की गई थी। डीएम से शिकायत करने के बाद आज फिर वह एसएसपी कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और एसएसपी अंतुल सतपाल व अपर आयुक्त प्रशासन सर्वेश गुप्ता से मिलकर अपनी घटना से संबंधित जानकारी उन्हें प्राप्त कराते हुए पूर्व चेयरमैन रिंकू गोस्वामी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आप किन किन से मिल चुके हैं? इस जो मेरे साथ घटना घटित हुई है उसमें मैं कल डीएम साहब से मिला था और अभी एसएसपी साहब से भी मिल करके आया हूं और इसके बाद कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं है तो उनके जो अपर आयुक्त हैं उनसे हम मिले हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उनकी शिकायत सब जगह से है। वो पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उन्हें ये भी सबक लग जाएगा कि किस तरीके से हम पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना जरूर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी हर तरीके से। इस तरह की हद पार करिए कि पागुड़े का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, लोगों को धमकाने का काम किया है, लोगों के कार्य में बाधा बनने का काम किया है और वो एक नफरत का काम जो फैला, जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर अंकुश भी लगेगा, आगे किसी की हिम्मत भी इस तरह की ना पड़ेगी। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और थाने से लेकर कमिश्नर तक आप गुहार लगा चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या मानते हैं? वो यही कहते हैं कि मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूँ, बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन बीजेपी सत्ता पक्ष का ऐसा कोई मैटर मुझे लगता नहीं, कहीं ना कहीं उनके पर्सनल संबंध हैं जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अखबारों में भी बराबर चल रही है, कोई उनके पास कोई पुलिस नहीं गई है अभी तक, कोई इस तरह की तो कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है आज मैं एसएसपी साहब से मिला हूं और कमिश्नर साहब से मिला हूं और डीएम साहब से मिला हूं तो उनके खिलाफ जरूर अब कार्रवाई होगी, आदेश भी है उनके लिए और थाने के लिए, तो मैं समझता हूं जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उन्हें सबक लगेगा। आपके खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया इसकी ऑडियो वायरल हुई, आपने बताया कि क्षेत्र में काफ़ी रोष है जनता में, जी जी, तो आप अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्रीय जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जिस शांत स्वभाव का मैं व्यक्ति हूँ, मैं सारी चीज़ों को सीरियस लेता हूँ, अपनी ईमानदारी से पागुड़े की खिदमत कर रहा हूँ, तो वो परेशान ना हो, मैं उनके साथ हूँ और कोई भी गलत कदम ना उठाएं, कोई गलत बात ना करें, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसके से लिए शासन और प्रशासन है, तो मैं शासन में और प्रशासन में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा, अपराधी की जो है अरेस्टिंग होगी, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। आप बिल्कुल भरोसा रखिए, न्याय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस हिंदुस्तान के अंदर न्याय सर्वोपरि है और हमें न्याय मिलेगा और प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें जब योगी जी ने बुलाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था मेरा चेयरमैन मेरा अपना है, मेरा हाथ है, वो मेरी योजनाओं को गवर्नमेंट धरातल पर उतारने का काम करेगा, तो हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस काम में बाधा बन रहे हैं और पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जरूर सबक लगेगा। मेरी गुजारिश है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों को पर अंकुश लगाने का काम करें जो हमारे कार्य में बाधा बनने का काम करते हैं, हमको योजना चलाते हैं उसमें वो चाहते हैं कि हमारे उनके लोगों को योजना मिले, जबकि योजना सभी लोगों को मिलनी चाहिए। इस तरह की शिकायतें मेरे पास मतलब ये कि बहुत ज़्यादा है, मैं क्या कहूँ, लेकिन आज मैं मजबूर होकर यहाँ पर आया हूँ, तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।